हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दियों की स्पेशल पालक पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, क्रिस्पी बनती है, और ये इनका कलर तो एकदम हरा हरा होता है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और लाइट ब्राउन होने पर एकदम आप इसको कचौड़ी जैसे खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये मैंने पालक ली है, एकदम फ्रेश पालक मिल रही है सर्दियों में आजकल, तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और डंठल समेत पत्ते अलग कर लिए हैं, लेकिन पतले डंठल अलग कर रहे हैं इसके, और इसको छोटी छोटी कटिंग में कट कर लिया है, और हरी मिर्च और अदरक के साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। ये एक बॉल मैं ले रही हूँ आटा, गेहूँ का आटा ले रही हूँ, और इसके अंदर मैं एक चम्मच डाल रही हूँ बेसन, और इसके साथ ही मैं एक चम्मच मैदा डाल रही हूँ। इससे कलर अच्छा आएगा, उनका कलर अच्छा दिखेगा, ग्रीन कलर पूरी का। और दो चम्मच सूजी है, इससे क्रिस्पनेस आएगी, एकदम करारी कुरकुरी बनेगी। जीरा डाल दिया है मैंने, और ये अजवाइन भी डाल दिया है, और नमक डाल दिया है, और हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, एक पिंच हींग डालेंगे हम, और इसको अच्छी तरह से सब को मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ये पालक प्यूरी हम डालेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है मैंने, प्यूरी इसी तरह से बन गई है, अदरक हरी मिर्च के साथ पेस्ट बन गया है, और टाइट टाइट हम इसका डो बना लेंगे। लेकिन इसके अंदर दो चम्मच मैंने तेल डाल दिया है मोइन के लिए, ताकि करारी हो जाएंगी पूरियाँ, एकदम कचौड़ी जैसी बनेगी फ्रेंड्स। ये देखिए आटा गूंथ लिया है मैंने, थोड़ा टाइट है आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर अब मैं तेल लगा के इस तरह से, और इसको रेस्ट करने के लिए करीब 15 मिनट के करीब रख देंगे एक कपड़े से ढक के, ताकि पपड़ी नहीं जमे, ड्राई नहीं हो आटा हमारा। ये 15 मिनट हो गए हैं, और चेक कर लेंगे आटे को, टाइट हो गया है, थोड़ा सा फूल भी गया है क्योंकि सूजी डाली थी ना हमने, इसलिए सूजी फूल जाती है थोड़ी देर में। ये थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे आटा। अच्छी तरह गूंदा हुआ होगा तो पूड़ियाँ भी अच्छी बनेंगी। इस तरह से दो लोई बना लेती हूँ जितना आटा है हमारा, और ये स्लैब के ऊपर ही मैं पूरी बनाऊंगी। तो पहले एक लोई को हम इस तरह से रोल कर लेंगे, और स्लैब के ऊपर आराम से अच्छी तरह बन जाती है पूड़ियाँ, और रोल करने के बाद में इस तरह से कट के निशान लगा देंगे, और छोटे छोटे लोई बना लेंगे इस तरह से, लोई बना के और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जैसे पेड़े जैसे प्रेस कर देंगे, ताकि ये सभी लोई बना लिए। और ये मैंने एक पन्नी ली है जो शीट होती है पॉलिथीन की, ये वैसे मेरे पास अभी पतली पन्नी है, लेकिन आप थोड़ी मोटी लीजिए तो आप आराम से पूड़ियाँ बेल सकेंगे। ये थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ शीट पे, और इसके ऊपर अब हम एक लोई रख देंगे, इसको फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके और फिर हम बेलेंगे इसको, आराम से बेली जाती है ये, एकदम इस तरह से घुमा घुमा के आपको दिखा रही हूँ। अगर चकले पे हम बेलेंगे तो टूट भी सकती है, क्योंकि फिर उसको उठाएंगे ना पूरी को, तब वो टूट भी सकती है, इसलिए
आप थोड़ी मोटी शीट लीजिए पॉलिथीन की और उसके ऊपर इस तरह से बेल लीजिए, ज़रा भी नहीं टूटेंगी। अब धीरे से इसको कवर को ऊपर से अलग हटा के और कोई भी कटोरी ले लीजिए और गोलाई शेप में इसको कट कर लीजिए, जो टेढ़ी मेढ़ी है वो सब अलग हो जाएगी। और ये आटा फिर उसी आटे में मिक्स कर दीजिए, वो फिर बाद में भी हम पूरी उसकी बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी गोल पूरी बन के तैयार है। इसको इस तरह से धीरे से फ्लिप करना है, इस तरह से उलट के प्लेट में डाल देंगे और फिर दूसरी पूरी इसी तरह से बना लेंगे। और फिर तेल लगा के और फिर लोई इस तरह से रख देंगे तो सभी पूड़ियाँ हम इसी तरह से बना लेंगे। और थोड़ा सा तेल हम सभी लोई पे इस तरह से लगा के आप देख सकते हैं कपड़े से ढक देंगे ताकि लोई सूख नहीं जाए। सभी पूड़ियाँ बनके तैयार है और गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म हो गया है, थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देंगे ताकि अच्छी तरह तेल गर्म हो जाए। फुल फ्लेम में करके और फिर मीडियम कर देंगे और एक पूड़ी डाल के इस तरह से पहले देख लेंगे। और इसको पलट लेंगे, फिर गैस मीडियम कर दी है मैंने ताकि करारी हो जाए। पहले फुल रख के और फिर मीडियम कर देंगे, तो मीडियम टू लो भी एक बार कर सकते हैं ताकि वो करारी हो जाए, अच्छी तरह से सिक जाए अंदर से। देखिए कितनी अच्छी फूली है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से बार बार पलटेंगे तभी वो करारी होगी, क्रिस्पी होगी। और ये सर्दियों में पूड़ियाँ बहुत ही मस्त लगती है, गर्मा गर्म एकदम इनका लुक कचौड़ी जैसे आ जाता है। छोटी छोटी बनाएंगे ना इस तरह से तो कचौड़ी जैसी करारी लगेगी एकदम। और गर्मा गर्म खाइएगा और परसिएगा तो बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगी। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, एकदम करारी है, आप देख सकते हैं। तो आप इसे नाश्ते में भी, सुबह शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं और गेस्ट आए या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तब भी बना सकते हैं। ये दूसरी पूड़ियाँ भी डाल दी है मैंने। और फिर इनको धीरे धीरे प्रेस करके और पलट लेंगे। सभी पूड़ियाँ फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। और इन पूड़ियों को हम पिकनिक पे ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी करारी पूड़ियाँ बनती है। एकदम गर्मा गर्म आप परसेंगे ना तो सभी खुश हो जाएंगे घर में। गर्मा गर्म आप बनाइए, नाश्ते के टाइम भी बना सकते हैं, सर्दियों में बहुत मस्त लगती है। पालक इतनी फ्रेश आ रही है अभी। और इनको आप चटनी, अचार और रायते के साथ भी खा सकते हैं या प्लेन दही भी ले सकते हैं और कोई भी सब्जी के साथ आप खाइए, ये बहुत ही मस्त लगती है। देखिए कितनी करारी पूड़ी बनी है एकदम। और सभी पूड़ियाँ फूल चुकी हैं, थोड़ी सी छोटी बनाएंगे ना तो सभी अच्छी कचौड़ी जैसी बनाएंगी। और ये जो पूड़ी मैंने अभी निकाल रही हूँ ना, ये आप देख सकते हैं किनार से कटी हुई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने इनको कटोरी से कट नहीं करा है। लेकिन ये भी फूल चुकी हैं अच्छी और करारी बन गई है। तो आप जैसे चाय बना सकते हैं, कटोरी से भी कट कर सकते हैं, बिना कट करे भी बना सकते हैं। देखिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, घर में सबको अच्छी लगेगी, बच्चे बड़ों सबको। और इसे बिना सब्जी के भी खा सकते हैं, देखिए बिल्कुल कचौड़ी जैसी बनी है।
और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। गर्मा गर्म पालक पूरी आप बनाइए, खाइए, खिलाइए।